जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 1st ऑफ मई से, यानी कि कल से। कल हम लोगों ने फर्स्ट हमारी क्लास ली थी मैथ्स की, जहां पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कि हम लोग चीजें पढ़ रहे होंगे हमारे बैच में, और हमने पीएनसी स्टार्ट कर दिया था। ये आपकी फर्स्ट डेमो क्लास है, तो इसको मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ। बाकी की जो आपको डेमो क्लास दिखेंगी वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, तो जस्ट आपको रोर इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे भी जस्ट आप लोगों को रोर इंडिया लिखना है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग किसी भी एक बैच में चले जाना, वहां पर आपकी जो बाकी की 3 क्लासेस मिलेंगी, टोटल हमारी 4 डेमो क्लासेस होंगी, मैथ्स की भी और जीडी की भी। तो फर्स्ट आप लोगों को यहां पर मिल रही है आपको मैथ्स की, बाकी की सारी की सारी किसी भी एक बैच में जाओगे वहां पर आप लोगों को ये देखो डेमो क्लासेस यहाँ पर दिख रही होंगी, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी डेमो क्लासेस दिख जाएंगी आगे। जैसे कि आज हमारी फिर से है, फिर कल होगी, फिर परसों होगी, तो ये होगी आपकी 7:30 से आपकी मैथ्स की डेमो क्लास स्टार्ट होगी, और आपकी 9:30 से आप लोगों की जीडी की डेमो क्लास स्टार्ट होगी। दोनों का लिंक आप लोगों को रोर इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा, तो जरूर से रोर इंडिया का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग मैथ्स की 7:30 है, तो आप लोगों को जो गूगल मीट का लिंक होगा ना वो भी आप लोगों को 7:30 मिलेगा, और जो आपको जीएटी का लिंक मिलेगा वो आपको 9:30 मिलेगा, तो जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हो उस टाइम पे, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में आइडिया आ सके कि आप लोगों को क्या ये वाला बैच खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और क्या आप लोगों को मुझसे पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो जरूर से आप लोग ज्वाइन करिएगा क्लास को, वहां पर कैसे करके हम लोग चीजें पढ़ते हैं, कैसे करके आप लोगों को इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और ये तो पता ही होगा तुम लोगों को कि लास्ट टाइम भी जैसे हम लोगों ने ओपन सेशन कर दिया था कि जो ऑल इंडिया रैंक 126 है, और इसके अलावा 2 और ऑल इंडिया रैंक हम लोगों ने उनके साथ आप लोगों का इंटरेक्शन करवाया था, तो वहां से आप लोगों को कितनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मिलती है, नॉट जस्ट फॉर रिटर्न बट ऑल्सो फॉर SSB। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है SSB प्लस रिटर्न का। सो आप लोग जरूर से ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। पहले एक बार ये वाली वीडियो आप कंप्लीट देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे करके पढ़ेंगे, और मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है। इसके अलावा आप हमारे जीएटी की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे जीएटी के एजुकेटर है, वहां से भी आपको पता चलेगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली में क्या यहाँ से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो यार, ये स्क्रीन विजिबल है, देखो सबको ये वाली वीडियो मेरे हिसाब से सबने देखी होगी, तो इस वीडियो के हिसाब से हम चीजें करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम एग्जैक्टली हम पढ़ने कैसे वाले हैं। ये वीडियो देख ली होगी मेरा सबने? यस सर। भैया जी, आप देखो यार, यहाँ पर ना इस बार और पिछली बार में मतलब फर्क है, क्योंकि इस बार देखो मैथ्स में हम लोग चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, नया कैसे करके हम लोग चीजें करने वाले हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। इस बार जैसे मैंने तुम लोगों के लिए अलग से PDF भी बना दिया इसकी, अगर तुम PNC वगैरह की, मैंने अलग से PDF, मतलब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग PYQs करेंगे, उसके बाद हम लोग RS करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे जो इस बार के JEE मेंस के इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन ना देखो, अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, क्या हम लोगों को हर एक टॉपिक के JEE मेंस के क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नहीं, हर एक टॉपिक के नहीं है। अगर जैसे देखो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के ठीक है अगर थोड़ा बहुत करवाने होंगे करवा दूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी होगी, PNC होगी, इनके तो मेरे साथ तो उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करने की जरूरत किस किस टॉपिक की है, जैसे तुम लोगों का हो गया लॉ का, उसके करने की जरूरत है, रिलेशन के क्वेश्चन करने की जरूरत है JEE मेंस के, रिलेशन फंक्शन का। इसके अलावा जो 2D वाले हैं, 2D हो गया, 3D हो गया, और आपका जो वेक्टर हो गया, इसको हम लोग अच्छे से इस बार पढ़ेंगे। सेम PYQs, RS तो हो गई, साथ में इनके JEE मेंस के क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नहीं करोगे ना वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का यार, इस बार के जितने भी क्वेश्चन थे ना हम लोगों ने, ये जितने भी क्वेश्चन देखे थे, तुम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी वाली PDF खोल देना, हर एक क्वेश्चन उससे मिल रहा था, हर एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है पूरा उससे मिल रहा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके भी JEE मेंस के क्वेश्चन करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन लगा होगा, अब जिसने PNC थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जरा देख लो ना ये वाला क्वेश्चन कैसे करके होगा, तुमको ये क्वेश्चन नहीं करवा रखा, देखो जैसे वो 2 कम्युनिटी वाला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना कि हमारे 2 कम्युनिटी है,
जिसमें एक में इतने लोग हैं, एक मतलब एक, या सिंपल है वो टाइपिस्ट वाला था, था? बेस को कॉम्बिनेशन वाले से, भैया उसी से तो होगा कॉम्बिनेशन वाले, खत्म कॉम्बिनेशन से होगा। अब कॉम्बिनेशन में क्या था कि अगर आप लोगों का ये देखो, उसको तीन विमेन और तीन मेन आखिरी में चुनने, तो हम क्या करेंगे, जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप कैसे करके था, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, ठीक है, ये समझाऊंगा, मैं उनको समझा रहा हूँ, जिससे जिन लोगों को लग रहा होगा ना यार भैया कि मेरे से हुआ नहीं है प्रश्न, बहुत सारे हो गए, ये वाला हुआ था जी भैया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों से नहीं हुआ होगा, है यार काफी ज्यादा बच्चे, वही बात है ना कि अगर ये वाला क्वेश्चन है होगा कैसे, देखो चार वुमेन है तीन मैन है, ये एक ग्रुप हो गया, यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप हो गया ये तीन वुमेन है चार मैन है, ये दूसरा ग्रुप हो गया, अब इसमें से आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चंस हैं वैसे ही। अब ये देखो क्या ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट क्या प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है क्या, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये देखो पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, बोलो इसमें तो ये वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत था, बताया था ना हमेशा ए इंटू बी आता है तो बी हमेशा पहले आता है और अलग अलग भी हो जाता है, ये सिर्फ ये वाला ठीक था इसमें, तो इस तरीके से आप ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, पूरा पेपर डिस्कस करा रहे हो, नहीं 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 पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं चीजें बता रहा हूँ कि मतलब हम लोगों को देखो जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है, अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को जेईई मेंस के लेवल का पढ़ना चाहिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या सारे चैप्टर्स में पढ़ना चाहिए, यही होता है ना, देखो अगर मैं एक एजुकेटर हूँ ठीक है, तो मैं ये चीजें एनालाइज करूंगा कि भाई क्या ये वाले चैप्टर से हमको जरूरत थी कि नहीं थी। अब जैसे जितने ही बच्चे पिछली बार के बैच के होंगे तो उन लोगों से पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन हो गए होंगे, 80% तो हो ही गया था ना जी, देखो इतने ही होंगे यार, अगर 90% हो रहे ना तो ये समझ लो कि तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा थक गई है, और अगर 100% हो रहे तो ये समझ लो कि इस बार तुम लकी हो कि तुमसे हो गए, वरना नहीं होते 100% क्वेश्चन, यूपीएससी है यार, वो एक क्वेश्चन तो ऐसा छोड़ेगा ही, ऐसा दे देगा ना वो तुमको क्वेश्चन कि भाई साहब तुम सतर्क हो जाते रहो, जैसे इस बार वो फिजिक्स में रेजिस्टेंस वाला आ रखा था ना, अब जो बच्चा उसके पीछे पड़ गया तो भाई साहब पड़ जाओ तुम पीछे, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ये मैंने इसमें डाला भी था, मैंने जबरदस्ती तुम लोगों को दिखाने के लिए डाल रखे ये सारे क्वेश्चन कि भाई आराम से, अगर जो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है ना, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो सेल्फ स्टडी भी करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया, अरे तुम लगा लो यार दम यार, तुम लोगों से हिलेगा ही नहीं वो क्वेश्चन, ये वाला तो इन्फिनिटी डिस्टेंस वाला है 12th का, ये तो ये वाला क्या होता है देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां पर से ना, इधर से ये वाला देखो, अगर तुम देखोगे इधर से वापस रिपीट नहीं कर रहा, ये देखो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, आ गया, फिर ये वाला इसके आगे आ जाएगा, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर ऐसे करके हो रहा होगा, यहाँ पर ऐसे करके हो रहा होगा, जो थोड़ा सा जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उससे होगा ये क्वेश्चन, वैसे नहीं होने का, इसका फिर पूरा रेजिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ऐसे करके चीजें होंगी, वरना नहीं होने की। तो क्या जो मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं क्या, या जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ही पढ़ाएंगे क्या हम लोग ये? अरे ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग प्रिडिक्ट करने लग गए ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन सारे आएंगे, तब तो भाई इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, इतने टफ टफ कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो दिमाग से थोड़ा सा प्रिपरेशन करना, ठीक है, सबको बोल रहा हूँ ये चीजें, दिमाग से थोड़ा सा प्रिपरेशन करना, वो बैल बुद्धि वाला काम मत करना, पता है ना नालायक का बस्ता भारी, जो नालायक होता है वो बहुत सारे सोर्सेस इकट्ठा कर लेता है, हाँ ऐसा होता है ना, अरे बोल दो भाइयों और बहनों, हाँ तो ये थोड़ा सा ना इस चीज का ना ध्यान रखना, जैसे तुम में से होंगे ना जिसने अभी तक मतलब बैच नहीं ले रखा होगा, जो जस्ट यहाँ पर आ रखा होगा कि क्या जो बताते हैं उसको भी बता रहा हूँ यार ये चीजें, हम इन लोगों को तो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा वो चीजें, लेकिन तुम लोगों के लिए भी है, ठीक है, तुम लोगों के लिए भी है, और इस बार सबके सब ना फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यार, हम लोग फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत सही से पढ़ने वाले फंक्शंस, भैया ग्राफ वाला भी तो ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, सब वही फंक्शंस उसी से ही आएगा ना फंक्शन, इस बार वो चीज है, लेकिन वही बात आ जाती है कि भाई सब कुछ का सब कुछ नहीं पढ़ना, तुम लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा, जितना हम लोग बता रहे उतना बिलीव करना कि उतने से काम बन जाएगा,
हमको भी पता है, देखो यार इस बार जो यूपीएससी का पेपर आ रहा था बहुत सरप्राइजिंग था, हम लोगों के लिए भी खुद था सरप्राइजिंग। यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए पूरा डिटेल में एनालाइज कर दिया था कि एग्जैक्टली में किससे कितने क्वेश्चन आ रहे और कितने क्वेश्चन बन सकते थे। इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ना जो ये वाला पोर्शन था ना इससे आसान क्वेश्चन आ गए थे, ये हुआ इस बार। और टफ क्वेश्चन किससे आ गए, जो तुम पढ़ के गए थे, क्या पढ़ के गए थे तुम लोग, ट्रिको पढ़ के गए थे, इससे आ गए थे टफ क्वेश्चन। इंग्लिश में भी मैंने जैसे ही उसमें जीएस में इंग्लिश देखा तो खुश हो गया, मैंने बोला सारा आता था इंग्लिश का, पूरा आता था, 48 बन गए उसके। तो उसके बाद जैसे ही जीएस में गया तो फिर फिजिक्स वगैरह देखे तो भाई शौक हो गया पूरा। हाँ तो देखो ना, अब यहाँ तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ, यूपीएससी ने अगर तुमको फिजिक्स टफ दे दिया है ना, फिजिक्स तुम बोल रहे हो भैया बहुत ज्यादा टफ दे दिया है, जरा क्वेश्चन गिन लेना तुम लोग फिजिक्स के कितने जो टफ आ रखे थे, फिजिक्स के गिन लेना कि कितने टफ आ रखे थे ये सारे क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं फिजिक्स के टोटल 22 क्वेश्चन है ना, 22 या 23 थे ना, उसमें से मैक्स टू मैक्स 7 से 8 क्वेश्चन आ रखे होंगे टफ, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 क्वेश्चन, चलो 8 नहीं 10 मान लिए मैंने, इससे तो ज्यादा नहीं आए थे। केमिस्ट्री में आपके इस बार 18 क्वेश्चन आए थे, 18 में से टफ थे कुछ क्वेश्चन, कितने थे जी, 3 से 4 क्वेश्चन टफ थे। और ऐसा यूपीएससी करेगा, क्यों किया भाई, पेपर भी तो लेवल करना है यार, इंग्लिश को इतना आसान दे दिया उसने। हाँ जी भैया, तो फिर पेपर लेवल कैसे करेगा वो, तो ये चीज है। अब ये वाला है, अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, एक बार जब ये वाला मैंने बताया था ना, यहाँ पर से ऑक्सीजन का -2 होता है, अब ये 5 है। अब ये वाला क्या होता है, ये सिर्फ साइंस वाले कर पाएंगे, सिर्फ साइंस वाले, ठीक है। अगर तुम नॉन साइंस वाले बच्चों को कितना भी सिखा दो, कहीं ना कहीं उसे हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। ये वाला क्वेश्चन था, जब तक किसी ने किसी डायग्राम ही नहीं देखा होगा, वैसे मैंने बोल दिया था कि ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं मुझे लग रहा था आएगा ही आएगा, वो आ भी गया लेकिन वो थोड़ा सा और डेप्थ में आ गया। टेलीग्राम पे सेंड किया था भैया आपने, वो देखा था। अब ये वाला है, तुम एक काम करना, अपने जो साइंस वाले दोस्त है ना उनसे पूछना इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, बिलीव मी 99% लोग इसको गलत बता रहे होंगे, 99% लोग, ऐसा है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछना, नहीं बता पाएगा कोई, नहीं बता पाएगा कोई। अब ये वाला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, क्या आज तक कभी नहीं पूछा था क्या, बोरेक्स ग्लास का पूछा था, केमिस्ट्री में पूछा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें तुमको थोड़ा सा ना, जहां पर ये चीजें तुम लोगों को एनालाइज करनी पड़ेगी खुद से भी, और जो बहुत सारे बच्चे हैं मुझे पता है यार खुजली लगती है सबके कि भाई मेरे को थोड़ा सा और पढ़ लू, थोड़ा सा और पढ़ लू, ऐसा होता है ना, जो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो बोल दो यार थोड़ा सा, कि खुजली तो होती है कि थोड़ा और पढ़ लू, होती है, हाँ बहुत होती है, बहुत होती है ना, तो प्लीज यार उसको, वो वैसे भी गर्मी आजकल चल रही है तो रैशेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना, तो प्लीज यार खुजली उतनी मत करना, और आराम से जितना हम लोगों ने चीजें बताई है उतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। इस बार वैसे भी हम लोग चीजें एक्स्ट्रा बताएंगे, हमें नहीं पता कि आपका एनडीए 2 का मैथ्स का पेपर कैसे आएगा, हमें नहीं पता ना, हमें इंग्लिश का पता है, जो इस बार इंग्लिश हम लोगों ने की थी ना हम उससे भी ज्यादा डेप्थ में करेंगे, मतलब इस बार हम लोग जो पिछली बार पैसेजेस की प्रैक्टिस हमने कम की थी हम इस बार और बढ़ाएंगे, क्योंकि मे भी पैसेजेस आ सकता है, जो सेंटेंस कंप्लीशन था इस बार हम लोग और करने वाले हैं वो चीज, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो करने वाले हम लोग। इसके अलावा इस बार हम लोग जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना उसमें भी हम लोग S1 S6 करेंगे, ऐसा होता है कि 2 सेंटेंसेस दे दिए होता है उसके अंदर 4 सेंटेंसेस डाल दिए होते हैं, अगर ये भी आ गए तुम्हारा तुम इसमें भी कर लोगे, ऐसा करके इस बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भैया। इंग्लिश के मेंटर आते होंगे ना भैया? हाँ इंग्लिश यार, दो जने पढ़ा रहे होंगे, देखो इंग्लिश में ऐसा होता है कि इंग्लिश में ज्यादा खेल प्रैक्टिस का है ना, पढ़ाने से ज्यादा प्रैक्टिस का है, तो एरर की पढ़ाना आपके, लेकिन हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ कि पढ़ाना पूरा मैं करूंगा, लेकिन वैसा होता ना कि जैसे देखो इंग्लिश में मान लेते हैं कि हम लोग टेस्ट बना रहे हैं, अब टेस्ट क्या होता है कि मान लेते हैं जो कपिल सर है उन्होंने बना रखा टेस्ट, तो फिर क्या करेंगे डिस्कशन के लिए वही करेंगे, क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन जो है वो तो वही बताएंगे ना कि तुम इसमें क्यों फंसे, वो जो जाल बिछाया था उसमें कितने लोग फंसे,
जैसे इस बार यूपीएससी ने बिछाया था, उसने मैथ्स का पेपर जो है, हाँ मैथ्स के पेपर में फंस गए ना सारे, लटक रखे हैं सारे। भाई ऐसे ही होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जो इस बार जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने क्लियर नहीं कर पाया ना, मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूँ, प्लीज एनालाइज एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना यार, आप लोगों को वो एग्जैक्ट जो चीज तुमको पता चलनी चाहिए थी ना, वो चीज नहीं पता चलेगी। तो प्लीज यार अपने पेपर को सबके सब एनालाइज करना, ठीक है? हाँ ठीक है ना, सबके सब एनालाइज करना। भैया पहले PYQs करने की RS करनी पहले, वो तुम्हारी मर्जी है। प्रोवाइड तो मैं दोनों करूंगा ना। देखो जो आपकी RS होगी और जो आपके ये होंगे PYQs होंगे, ये दोनों के दोनों मैं ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे भी, वो टेलीग्राम चैनल कह रहा हूँ, ये जो अपना ग्रुप बनेगा उस पर, तो वहां पर सेंड कर दूंगा। वो ऐसा होता ना कि व्हाट्सएप पे क्या होता है, जब आप सेंड करते हो, एक तो बड़ी फाइल सेंड नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो आपकी जो फाइल्स होती है जो पुरानी होती जाती है, अगर नया कोई बंदा ऐड हुआ है तो उसे पुरानी फाइल्स नहीं दिखती है, ऐसा होता ना, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए। भैया यूज कौन से, दिशा से ही करने? हाँ PYQs तो दिशा में ही होंगे ना, बाकी तो कंप्लीट वो करूंगा ही मैं जो इस बार के कुछ। हाँ भैया लेकिन जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है अपना और वो नॉन मेडिकल है, मतलब नॉन मैथ स्टूडेंट है, तो फिर उसको तो दिक्कत आएगी ना RS अग्रवाल या PYQs में। अरे दीदी मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे, यहाँ पर ये सारे के सारे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। ये प्रशांत है, ये मतलब अभी ये मुझे पता क्या बोल रहा था, कह रहा था कि भैया मुझसे हो जाएगी मैथ्स, अब इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो यार, चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, टेंशन मत लो उसकी। अब यहाँ देखो कि मैंने तुम्हारे लिए अलग से जैसे PDF है, इसमें मैंने तुम लोगों के जो सीक्वेंस वाइज होता है ना कि जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है उस हिसाब से मैंने पूरी PDF बना दी, और लास्ट में जो इस बार के क्वेश्चन पेपर है ना, इस बार के जो क्वेश्चन है वो तुम लोग लास्ट में देखना, खुद ही कर लोगे। सारे क्वेश्चन मैंने इस बार के डाल दिए इसमें। तो भैया बेसिक से करवाओगे, मतलब जीरो से? इसकी टेंशन मत लो। अच्छा अभी किसी को डाउट है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या जो पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, डाउट है? और एक और चीज यार, मुझे पता है यार कि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़नी है, बहुत सारे बच्चों को टॉप इसमें ही मारना है हिस्ट्री में भी, और आपके इको में ही मारना है, और तुम्हारे क्वालिटी में मारना है यार, नहीं मारना, इन तीनों में ही मारना है। हाँ नहीं होते हैं यार, मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को जिस हिसाब से बच्चों के फीडबैक मिलता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ यार। बच्चों के फीडबैक मिलते हैं यार, वो कहते हैं भैया हमारी कोचिंग में एक महीना पढ़ाते हैं यार ये, और मैंने कहा कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, कह रहे भैया 3 से 4। तुम खुद सोचो ना यार कि 3 से 4 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं वो एक महीना पढ़ने के बाद। भैया इनको तो एक महीना, मेरे को 6 महीने पढ़ाई पूरी। ये देख लो यार, यहाँ पर देखो वो कह रहा है ना कि 6 महीने पढ़ाई, ऐसे ही होता है यार बहुत सारे बच्चों के। अब मैं इस चीज से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कोचिंग खराब, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार सीखो। जैसे इसने वो क्या किया, इन्होंने क्या गलती की, क्या पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी भी बहुत तगड़ी पढ़ाते हैं, जिसके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं पॉलिटी भी बहुत ज्यादा लेंथ में पढ़ाते हैं, देखा है मैंने ये चीज, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक भी मिले हैं मुझे। तुम्हें ही पढ़ाई किया पॉलिटी? भैया पूरा उसका CDS जर्नी का पूरा वो दिया हुआ था, पूरा वो करने के लिए पॉलिटी PDF। हाँ लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछ लिया ना, अब तुम पूरी वो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए तुम पूरी पॉलिटी थोड़ी छान मारोगे। पॉलिटी अगर आपको अगर आपको पॉलिटी पढ़नी भी है ना, तो आप पॉलिटी पढ़नी है तो आराम से आप चीज क्या करो, अच्छे से जो भी आप लोगों का जितना मैंने बता रखा है उतना पढ़ लो, बस जितना ट्रेंड में आते हैं। पॉलिटी पढ़ना उसके लिए बेनिफिशियल है जो CDS की प्रिपरेशन करता है, तुम्हारे लिए नहीं है वो, ठीक है? और हाँ जो बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, इस बार पता लग गया होगा जो CDS की फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हो तुम लोग, हाँ उनके तो तोते उड़ गए होंगे उनके जब उन्होंने फिजिक्स का पेपर देखा होगा, क्योंकि नहीं आते CDS में, नहीं आता इतना टफ। और हाँ यार ये बताना सेशन कैसा रहा कल का? भैया बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था भैया, बहुत कुछ जानने को मिला भाई साहब। उन्होंने जो तुमको चीजें बताई है ना नोट कर लेना,
नोट कर लेना एक एक चीज, मजा आ गया था यार उनको देख के। ये भी फाइनली ही गॉट वो मैरिटन, मैरिटन हो गया यार मुकुल भी। अभी पिछली बार मेरिट आउट हुआ था टीईएस से, इस बार मेरिटन हो गया। इसके साथ अभी एक सेशन लेंगे टीईएस का, मतलब जो टेक्निकल एंट्री में जो सोचता है ना यार भैया कैसे करके करूं, मैं एनडीए छोड़ के टीईएस में घुस जाता हूं, अरे बताया गया तुमको टीईएस का कंपटीशन, इसके साथ मैं करूंगा अच्छे से सेशन, ठीक है। बाकी ये लोग, ये इस संडे ये आएगा, ठीक है, अभी इस संडे आ रहा है भैया। संडे को डाउट क्लास रहती है, शाम को आएगा ना, संडे को तो सुबह तो डाउट क्लास ही रहेगी, लेकिन शाम को ये आएगा, ठीक है भाई। एमास वाला है ना अभय? ना अभय आफ्पा वाला, अभय आफ्पा वाला है, इसका मुझे नहीं पता, ये है एमास वाला भैया। इनका तो पहले ही क्लियर हो गया था ना भैया। हाँ अरे यार ये मेडिकल आउट हो गया था, इसका फ्लैट फुट था ना, ये एयरफोर्स बोर्ड से, एयरफोर्स बोर्ड से था, ठीक है। चलो यार करें यार हम लोग स्टार्ट करें, फ्लैट फुट ठीक हो जाता है? हाँ यार हो जाता है फ्लैट फुट से, अगर सही से मतलब चीजें करोगे तो हो जाता है, अगर सही से नहीं करोगे फिर तो आफत आ जाती है फिर तो। भैया मुझे तो नौकनी है भैया, कुछ बता दो नौक, इसकी नौकनी कल क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने इनसे? अरे ये एसएसबी वालों से पूछा करो ये चीजें, ये लोग बहुत अटेंड नहीं किया था भैया, परसों वाला किया था भैया। अरे यार परसों ही पूछ लेता भैया, परसों वो सिर्फ रिटर्न का बता रहे थे ना, वो क्या नाम मुकुल भैया जो है वो था। हाँ चलो कोई नहीं, जो भी दूसरे लोग होंगे, अरे इन लोगों के पास पता क्या होता है, पक्का ऐसे लोग होते हैं, ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, पक्की बात है कि ये इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी का ऐसे करके होता ही है, किसी का फ्लैट फुट होता है, किसी की नौकनी होती है, मतलब भगवान जानता है कि इन्हें भी खुद उसी दिन पता लगता है मैं इतना डिफेक्टिव हूँ, ऐसा पता लगता भाई इनको। नहीं नहीं अरे वो नहीं होता तुम लोगों का, तुम खाली खाली करते हो, वो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, अरे नहीं हो भाई तुम फिट हो, वो बहुत सारे बच्चों को ना ईएनटी में आती है दिक्कत, ये नाक में ना किसी का क्या होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है किसी का नाक जो होती है ना, किसी एक ऐसा था जिसको वो मेडिकल देने के लिए गया, उसे पता लगा कि उसके बीच की नाक की हड्डी ही नहीं है, तो ऐसा भी होता है भाई, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यार वो, फिर हम करते हैं यार स्टार्ट। अच्छा कौन कौन से चैप्टर करवाएंगे? हाँ। पहले कौन से करेंगे भैया, पहले कब से? अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ मैं ये मेरे पास तार के सारे दिख रही है ना, ये चीज दिख रहा होगा? हाँ भैया आप मेडिकल के लिए भी गाइड करोगे? यार मेडिकल के लिए इनसे पूछ लेना यार, जो मेडिकल वाले हैं ये मैंने तो अभी तक दी नहीं है, अभी तक इतना सौभाग्य मेरे को मिला नहीं है, ये जो एसएसबी वाले हैं ना यार तभी तो इंटरेक्ट करवा रहे हैं तुम्हारी, इनसे पूछना, ट्राई करेंगे कि फीमेल्स का भी मतलब लड़कियों का भी वो करेंगे यार, ठीक है जी भैया, क्योंकि भैया मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मतलब यूट्यूब पे देखा उसके बाद मैं यहाँ पे आई। अच्छा दीदी तुम सीधा आ गई, क्या बात है भाई, ठीक है चलो मैं तुमको ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोगों का ऐसे चलता है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले पीएनसी करेंगे फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी कर रहे होंगे पता है ना हम थोड़ा सा बाइनोमियल भी टच करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सेट्स भी टच करते हैं, ऐसे करके करते हैं, तो ये हम लोगों का फर्स्ट होगा, सेकेंड जो होगा वो होगा हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, थर्ड जो होगा वो होगा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है, फर्स्ट हम लोगों का प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम होगा सेकंड, थर्ड आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ आप लोगों का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फिफ्थ आप लोगों का होगा ट्रिगो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का सिक्स्थ होगा आप लोगों का स्टार्ट ये सीक्वेंस एंड सीरीज, सिक्स्थ आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, ये रहा सीक्वेंस एंड सीरीज हो, ठीक है।
और फिर सेवेंथ हम लोगों का होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सेवेंथ ही होगा, एट्थ ही होगा, एट्थ होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। उसके बाद हम लोगों का होगा नाइन्थ होगा रिलेशन एंड फंक्शन, और इसी के साथ हमारे सेट्स भी चलेगा, साथ में ही चल रहा होगा ये सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज आती है। उसके बाद जो बच्चे ये तीनों टॉपिक सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों को हम लोग थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि देखो यार अगर तुम लोग ये पढ़ने जाओगे ना इसमें लग जाएंगे आपके 2 से 3 महीने, अगर तुम सीधा सीधा पढ़ने जाओ लिमिट्स डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन एंड इसका ये चीज, इन चारों टॉपिक में आपके 2 से 3 महीने लगते हैं प्रॉपर, 2 से 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो यार ये बताने का फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे कि कैसे रखे ना आप लोग ये वाले क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना, देखो अगर सिंपल आएगा तो तुम लोग कर लोगे, और अगर थोड़ा बहुत जैसे ना ट्रिकी होता है जो चीजें, मतलब जो आपकी सिंपल चीजें होती है लेकिन बच्चों को स्टिल ट्रिकी लगती है, वो चीजें हम इसमें एक्स्ट्रा बता देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कितने हो गए, और ये नाइन्थ हो गया ना, और लास्ट में हम लोग फिर उसके बाद करेंगे हम लोग ये, और लास्ट में हम लोग करेंगे 2D 3D और 3D को लास्ट में करने का ये है कि ये चीज क्या होगा, थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में फिर फ्रेश रहेगी चीजें, ठीक है। इस तरीके से हम चीजें करेंगे, और जो ये मिसलिनियस लिख रखा है ना, मिसलिनियस हम लोग चीजें बीच बीच में कवरअप करते रहेंगे, मिसलिनियस का मतलब है जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब चीज, ठीक है। सर कितने टाइम तक मैथ्स कंप्लीट होगा? मैथ्स यार हम लोग ट्राई करेंगे कि ना हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा यार मैथ्स, इतना हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है भैया। यस सर। भैया हां देर मॉक लेंगे पिछली बार बोल रहा हूं। हां बोल ले भाई संदीप, हाँ इस बार जैसे देखो अभी तुम लोगों का क्या होगा, जैसे हम लोग पीएनसी बढ़ रहे हैं, इस बार कैसे करके हम लोग चीजें करेंगे वो ही बता देता हूँ मॉक्स का स्पेशली। जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी पीएनसी पढ़ रहे हैं ना, तो पीएनसी पढ़ने में क्या होगा, जैसे पीएनसी खत्म होगा उसका एक अलग सा मॉक होगा, ठीक है। फिर आपका इसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म होगा तो पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी का एक मॉक होगा, ठीक है। और साथ में हम लोग इस बार और करेंगे कि जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मतलब मान लेते हैं कि आपका कभी कभी ऐसे कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि छोटा सा टेस्ट रख लेंगे 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का, छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं ना, जिससे क्या होगा तुम्हारी नॉलेज चेक हो पाएगी, तो वो चीज भी इस बार हम लोग करेंगे। ये पूरा टॉपिक वाइज तो होगा ही होगा, लेकिन जो एक छोटा सा वो मिनी सा नहीं होता, बहुत छोटा सा टेस्ट, वो चीज भी हम लोग इस बार स्टार्ट करेंगे। और इस बार ये इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा होने वाला है, इंग्लिश और जीएस में। मैथ्स में ऐसा होता ना यार, थोड़ा सा पहले टॉपिक पढ़ाना पड़ता है तब जाके चीजें करते हैं, तो ये वाला मॉक टेस्ट जो होगा ना वो होगा बहुत ज्यादा, और जो वो हो गए ना कंप्लीट मॉक टेस्ट भी हम लोग लास्ट में कर रहे होंगे, वो तभी मैंने कहा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, मेरे हिसाब से उससे पहले ही करेंगे, लेकिन स्टिल जितना भी होता है वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना, और इस हाँ बोलो क्वेश्चन रहेंगे सर। हाँ बोला था कि भी वो जो पिछले बार वाले जो मतलब लेक्चर्स वो अपलोड कर दोगे भी ऐप पे? हाँ यार मैं वो करूंगा यार, मैं ना ये ऐप पे भी हाँ वो मैं एक साथ करूंगा, मतलब एक ही फोल्डर होगा उसका, उसके अंदर सेक्शंस बने होंगे, ठीक है वो कर दूंगा मैं वाला भैया, देहरादून में पक्का कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा यार वाला, इस बार दूंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहा तू भैया। मैं कह रहा था कि जेईई मेंस अगर क्वेश्चन करने तो नेहा अग्रवाल मैम की वन शॉट वीडियो होती है उनसे यार, वो नेहा कर सकता है, लेकिन यार वो मुझे नहीं पता कि देख यार फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट जो होंगे वो पता है ना, दो एजुकेटर्स से पढ़ने के बाद क्या होता है, करने को देखो तुम किसी से भी करो बस्ता भारी। हाँ भाई ये बस्ता भारी हो जाएगा। हाँ बस्ता भारी हो जाता है यार सही में। चलो यार करते हैं यार स्टार्ट। देखो यार पीएनसी की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, अगर जैसे किसी को और कुछ डाउट होगा तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं,
तो परम्यूटेशन का मतलब सिंपल क्या होता है, दो वर्ड्स है परम्यूटेशन और सेकंड आपका वर्ड है कॉम्बिनेशन। आप बताओ इसका क्या क्या वर्ड मतलब क्या होता है परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का। नए वाले को बोलने देना कृपया करके, ये पुराने वाले मत बोलना। हाँ नाम सुने, अरे नॉन ये आर्ट्स वाले हो? यस सर। हाँ परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन नाम तो सुना होगा ना सर, नाम आपके शॉर्ट्स में थे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे से देख लो। देखो यार हम लोगों के ना, जैसे मान लेते हैं अगर तुम लोगों के घर में तुम लोग रसमलाई ले आते हो, ठीक है, मान लेते हैं आज तुम लोग रसमलाई ले गए खाने के लिए और आइसक्रीम ले जाते हो, ठीक है, तो एक क्या होता है तुम लोग चीजें कॉम्बिनेशन बनाते हो ना यार। रसमलाई मान लेते हैं तुम्हारे घर में पांच लोग हैं जिसमें से दो आइसक्रीम खाते हैं और तीन बाकी रसमलाई खाते हैं, ठीक है। अब जो दो रसमलाई खाते हैं और तीन आइसक्रीम खाते हैं तो किस किस को तुम रसमलाई दे सकते हो? मान लेते हैं एक तुम्हारी मम्मी है, पापा है, दादी है, ये तुम्हारी छोटी बहन होगी और ये तुम्हारा छोटा भाई हो गया, ठीक है, भाई हो गया, ये पांच लोग हो गए। अब रसमलाई किस कौन कौन खा सकता है ये बताना। मैंने कहा सिर्फ तीन लोग खाते हैं, मैंने क्या बताया तुमको कि कौन कौन से तीन लोग खाते हैं? नहीं बताया ना, तो वो पापा मम्मी दादी हो सकती है, पापा मम्मी जो छोटा भाई है वो हो सकता है, पापा मम्मी जो छोटी बहन है वो हो सकता है। तो ये बेसिकली है क्या, जो मैं रसमलाई दे रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का क्या है अरेंजमेंट, क्या है अरेंजमेंट। जैसे तुम लोगों ने सिंपल आजकल आईपीएल चल रहा, यस सर, आईपीएल चल रहा ना, तो आईपीएल चल रहा है तो उसमें क्या कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा आजकल वो केकेआर सुनील नारायण को फर्स्ट पे भेज देते हैं, है बॉलर फर्स्ट पे भेज देते हैं, भाई उनकी मर्जी, भाई वो लास्ट पे खिलाएं या फर्स्ट पे खिलाएं, है ना। कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे वो नहीं होता कि कभी कभी सरप्राइज के लिए टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप आ जाता है, कुलदीप यादव आ जाता है फर्स्ट पे ओपनिंग करने के लिए, जब रात का वक्त होता है, इवनिंग वाला होता है ना, एज अ नाइट वॉचमैन होता है ऐसा। जी भैया, तुम में से क्रिकेट क्रिकेट भी देखते हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है? हाँ देखते हैं ना, इतने तो नहीं हो ना कि मतलब आता ही नहीं। जैसे भाई इस बार तो कम से कम देख लेना चाहिए था यार, आरसीबी ने विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है, वो आईपीएल जीत लिया है। हाँ यार मतलब अब तो स्मृति मंधाना को बुलाना पड़ेगा भाई, कि हाउ टू मोटिवेट बॉयज आरसीबी बॉयज, ठीक है। तो हम लोगों की दो चीजें होती है, एक होता है आप लोगों का अरेंजमेंट और सेकेंड मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब, भाई पहले तो तुमको चुनना पड़ेगा ना कि रसमलाई ले जाऊं कि आइसक्रीम ले जाऊं। हाँ सिलेक्शन, जैसे अभी अभी T20 वर्ल्ड कप की वो स्क्वाड आया, 15 जने चुने ना, इतने सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, इतने सारे प्लेयर्स हैं। अरे हैं हमारे पास, देखो हमारे पास कम से कम 100-200 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमने अपने टॉप 15 प्लेयर्स को क्या किया है, पहले सेलेक्ट किया है। कोई ऐसा प्राणी है जिसको समझ नहीं आ रहा? हाँ दिया, अरे दिया मिर्जा कहाँ है? अरे दीदी बोल दो यार, आ रहा ना समझ में? आ रहा यस सर। बस सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास जितने इतने सारे प्लेयर्स है ना, उसमें से हम लोगों ने टॉप 15 प्लेयर अपने क्या कर दिए, सेलेक्ट किए, तो जो आपने सिलेक्शन किया ये बेसिकली क्या आप लोगों का कॉम्बिनेशन, ये क्या आप लोगों का कॉम्बिनेशन। अब तुम लोग खिलाओगे कितने प्लेयर? 11। अब वापस तुमने क्या किया है, सेलेक्ट किया किया है सेलेक्ट, ये वापस क्या हो गया कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। अब जो तुमने 11 प्लेयर खिला रहे हो ना तुम लोग, अब तुम खुद बताओ कि 11 प्लेयर तो तुम लोगों ने खिला दिया, अब मैं चाहे पहले मैं करवा दूं, मैं बोलता हूं आज भाई महेंद्र सिंह धोनी, मान लेते हैं मैंने एक प्लेयर ले लिया, ये चेन्नई सुपर किंग का ले लिया, मैंने कहा आज धोनी तो भाई बॉलिंग ही करेगा, है ना, तो धोनी भी तो 11 में से है ना भाई, धोनी भी कर सकता है भाई, दीपक चहर भी कर सकता है, जिससे करवाना चाहो मैं करवा सकता हूं, बोलो
या फिर जिससे मेरे को बैटिंग करवानी है, जहां मेरे को बैटिंग करवानी है वहीं से करवाऊंगा, है ना, मेरी मर्जी है वो, लेकिन करवाना किससे मैच में, इन 11 प्लेयर से, है ना। अब मान लेते अगर मेरे को ओपनिंग बैट्समैन चुनना है तो ओपनिंग बैट्समैन किससे चुनूंगा, 11 प्लेयर में से, 11 में से ही। देखो फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, ये हैं 11 प्लेयर ही। अब मेरे को पूरे के पूरे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स भेजने पड़ेंगे वो इन्हीं 11 में से भेजने पड़ेंगे। Yes, sir. हाँ, तो इन्हीं 11 में से भेजने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अरेंज कर रहा हूँ कि भाई पहले, हाँ, कि पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा। अब मान लेते हैं हम लोग कबड्डी, सबके सब कबड्डी देखते हैं, सात प्लेयर होते हैं, ये तो पता होगा कि उसमें जाते हैं वो कबड्डी कबड्डी करके रेड करने जाते हैं। Yes, बस अब मान लेते हैं कि ये दिया चलेगी, एक प्रशांत चले गया, एक विक्रांत चले गया, ये विक्रांत हमारा कबड्डी प्लेयर ही था, एक हर्षित चले गया, और एक ये प्रिंस भी चले गया, और कौन है भाई, और किसे खेलना है, संदीप हाँ, एक संदीप भी चले गया और एक चिराग चले गया, ठीक है। अब भाई इनको चाहिए था तगड़ा प्लेयर, तो इन्होंने किसको कर दिया, विक्रांत को कर दिया आगे, ठीक है, पहली रेड। अच्छा तुम ये बताओ मेरे पास, अगर मेरे को पहली रेड पे भेजना है, मेरे पास ऑप्शंस बताना कितने हैं, मेरे पास 7 चॉइसेस, 7C1। अरे ये 7 चॉइसेस है ना मेरे पास, हां भैया। अगर मैंने बोला मेरे को 3 रेड करनी है और मेरे को तीनों के तीनों रेड जो है ना वो अलग अलग लोग करेंगे, तो पहली बार में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? अरे एक मिनट का, अब ये बताइए, दिया ही बताइए क्योंकि दिया भी खेल रही है। हाँ भाई दिया, हाँ भाई दिया, अरे कहाँ गई है, वो तो कबड्डी खेलने चलेगी भी। अरे दिया खेलने तो नहीं चलेगी, बी प्रैक्टिकल, कहाँ गई मानवी पार्ट टू। अच्छा लाइव, ओ ठीक है ठीक है, अरे वो लाइब्रेरी में कम से कम पढ़ के मुझे बता तो दिया करो यार कि वो लाइब्रेरी में है भाई। और कौन था ये, वो जो नॉन मैथ्स वाला है, यस सर, मैं नहीं 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 हाँ गुरविंदर, हाँ गुरविंदर, अरे सिंह साहब बोल दीजिए, यस यस सर, हाँ अरे बोल तो दो कि मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, पहले के लिए मेरे पास 7 चॉइसेस हैं, अगली बार के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 6, उससे अगली बार के लिए कितनी होगी खुशी, 5, 5 होगी खुशी, हाँ अब बताओ मेरे पास ना, अगर मेरे को ना, मैंने बोला कि मेरे ना फर्स्ट ट्रेड, यह मैं बोलता हूँ मैंने कितनी रेड की है, 3 रेड की है, तो ये बताओ मेरे को कि अगर मैंने 3 रेड्स किए तो मेरे पास ये बताओ कि नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं कि मैं रेडर को सेंड करूं, नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 7 ए भाई, अच्छा ठीक है मेरे को लगा ये 2 पे कहां पहुंच गया, 7 × 6 × 5 होते 210 होते हैं ना। अब जो जिस पे थोड़ा सा दिमाग है ना वो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा दिमाग चलाएगा, देखो 5 × 6 करूंगा तो ये सीधा सीधा 30 बन गया, और 7 × 30 210 हाँ, ये देखो इससे कैलकुलेशन तुम्हारी तेज होगी, ऐसे नहीं कि मतलब 7 को कर दिया 6 से अब लगाओ भाई वापस, अरे थोड़ा सा दिमाग चला लेना यार, ठीक है, हाँ ये आया समझ में सबको, थोड़ा बहुत आया समझ में कि कैसे क्या अरेंजमेंट हो रही है चीजें, अब देखो यार यहाँ पर ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम लोगों को बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि आपका अरेंजमेंट, तो कहीं पे भी अगर आपको आ गया नंबर ऑफ वेज आ गया, ये सब चीजें आ गया, तो इसमें हमेशा क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा, क्या लगेगा, हमेशा परम्यूटेशन लगेगा। अब जैसे चलो मैंने यहां पर बोल दिया कि मान लेते हैं मेरे पास ये है,
जीरो वन टू या मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है। अच्छा पहले नॉन मैथ्स वाले बताओ यार है कौन कौन, जरा मैं मुखड़ा देख लूं उसके बाद में। हाँ सर मैं हूँ, ये सर्वेश बताएगा, अब मेरे को बताएगा सर्वेश, उसके बाद युवराज रहेगा रेडी। अच्छा सर्वेश अगर मेरे को ना थ्री डिजिट नंबर बता, कितना है थ्री डिजिट नंबर बनाना है, थ्री डिजिट नंबर बनाना है, तो मेरे को ये बता दे कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ बेस क्या होंगे थ्री डिजिट बनाने के। पहले नंबर पे आ जाएगा नाइन, एक जगह पे शिफ्ट हो जाएगा तीन तीन छः तीन नौ, पहले के लिए नौ होंगे। हाँ मेरे को बता दे। अच्छा यहाँ क्या लिखूँ, नाइन लिखूँ? जी भैया। अच्छा ठीक है फिर इधर पे भी नाइन, मतलब अगर रिपीट रिपीटेशन मतलब रिपीट है कि नहीं। एक और चीज, जहाँ पर कुछ ही लिखा है मतलब वहां पर हमेशा कौन सा केस लेंगे, नॉन रिपीटेशन वाला, नो रिपीटेशन, ठीक है ये ध्यान में रखना, जहां पर कुछ ही नहीं लिख रखा वहां पर रिपीटेशन नो रिपीटेशन का लेंगे। चलो अब बता दे। हाँ सर्वेश क्या होगा, पहले में नाइन दूसरे पे नाइन इंटू एट युवराज ठीक बोल रहा क्या? हाँ युवराज, अरे जनाब कहाँ गया ये भी लाइब्रेरी है क्या? हाँ भैया सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक और हाँ ये खुशी ठीक बोल रहे हैं ये लोग, ये दूसरी वाली खुशी। हाँ सर जो यहाँ पे नॉन रिपीटेशन हो रहा है तो आप नाइन 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 भी ले सकते हैं ना? नहीं नहीं वो रिपीटेशन होगा ना, अगर मैंने कहा रिपीट हो सकते हैं, अगर मैंने कहा रिपीट हो सकते हैं तो रिपीट में क्या होगा, पहली बार में आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? क्लियर होगा, क्लियर होगा। कितने ऑप्शंस रहेंगे पहली बार में? नाइन। सेकंड बार में? एट। ए दीदी नॉन रिपीटेशन है यार, हो सकता है नाइन हो जाएगा। हाँ नाइन नाइन नाइन, तो यहाँ पर देखो अगर आपका नो रिपीटेशन है तो कितने आ रहा था, नाइन इंटू एट इंटू सेवन, और जहां पर आपका रिपीटेशन हो गया वहां पर कितना आ जाएगा, बोलो नाइन इंटू नाइन आ जाएगा। इतना क्लियर सबको, किसी को समस्या तो नहीं है कोई? हाँ फोर नाइन फोर आएगा ना, फोन है करने पे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब जरा ना मेरे को जरा ये बता दो कि मैंने कहा मेरे को बनाना है थ्री डिजिट इवन नंबर, और ये मेरे को बताएगी खुशी, और कौन सी खुशी बताएगी, ये जो कम बोलती है महाराष्ट्र वाली दीदी, आज तो बोल सकते हो ना भैया, वो बोल भी लेती है। हाँ बोल लेती है भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है नंबर वही है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नंबर यही है, मेरे को बनाना है थ्री डिजिट इवन नंबर और ये बनाना है मेरे को थ्री डिजिट ऑड नंबर। हाँ भाई, भैया वो इवन जो नंबर है ना उसको थर्ड मतलब थर्ड प्लेस। वेट 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 संगम संगम रुक जा, अब तू पक्का मेरे को मैथ्स ही का लग रहा है ना? जी भैया। हाँ बस जी भैया। हाँ ये वैष्णवी, अरे वैष्णवी दीदी ये कौन सी वाली वैष्णवी? जी भैया बस समझ गया मैं कौन सी है, तो 800 तो नहीं है ना, 800 जरा यार हैंड रेस करके रखना है थोड़ा सा, 800 जो भी है ना ये वापस करना जरा हैंड रेस जितने 800 हैं भैया। हाँ मेडिकल। हाँ अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब 800 का मतलब वही है नॉन मैथ्स। ठीक है ठीक है। अरे अनु, अरे अनु ऐसा मत कर यार, अनु तू प्रैंक कर रही सबके साथ। अच्छा ये लेजेंड कौन है यार, ये लेजेंड एक्स जनाब। हाँ ये बताना यार क्या होगा इसका। हेलो। हाँ बोलो बोलो युवराज। हाँ मैं बोल रहा हूँ। लेजेंड वाला कौन है भाई, ये लेजेंड एक्स, ये अन्वेषा
तो बताना यार, तुम बताना। तुम एक काम करना, ये युवराज ये चंदन बताएगा मेरे को, ये फर्स्ट वाला ये चंदन के नाम है और ये है उसके नाम, ये दूसरा अन्वेषा के नाम। जरा बता दो यार जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा, और इसी के पीछे से नंबर लगा देना भाई। यहाँ पर ये बताएगी खुशी यादव, ठीक है, और यहाँ पर ये युवराज बताएगा, अगला नंबर इन्हीं का है। और इसको चेक करेगा भाई अपना प्रशांत, और ये वाले को चेक करेगी, इसको चेक करेगा सर्वेश। फर्स्ट इज 4 × 4 × 4। अच्छा फर्स्ट कहाँ पर? पहले वाले में, इवन नंबर। दीदी तुम्हारा नीचे वाला है, ये चंदन का है, चंदन भाई का है भैया। नॉन डिजिट इवन नंबर होगा 2, 4, 6। हाँ तो इसमें मैं क्या लिखूँ, 2, 4, 6 लिख दूँ? नहीं ऊपर वाले में 3 डिजिट इवन नंबर। अच्छा तो क्या लिखूँ? 2, 4, 6। 2, 4 कहीं वो चांदनी था कि चंदन था भाई? चंदन हाँ। तो ये भाई ये खुशी नहीं बताया? यस सर, मैंने पहले बताया था 4 × 4 × 4। अच्छा यहाँ पर 4 × 4 × 4, ठीक है भाई। प्रशांत भाई ये ठीक बोल रहे हैं क्या कि ये सारे झूठे हैं भाई? ये रिपीटेशन में क्या? मैंने क्या बताया, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा? नॉन रिपीटेशन, बस गलत है सारे के सारे, सारे के सारे झूठे हैं। तुम बता दो चलो फिर भैया, मैं आंसर करूं? नहीं 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 नहीं, अभी अपना प्रशांत भाई मैं बताऊं भैया। अरे प्रशांत बोल भी तो दे कि कैसे झूठे हैं। भैया पहले देखो, जो इवन नंबर है वो हमारे 2, 4, 6, 8 है ना? हाँ। तो पहले वाले का ऑप्शन 4 है ना, और दूसरे वाले में ऑप्शन 3 हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले लिख दिए, और फिर जो 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 सबसे लास्ट डिजिट होगा जो यूनिट डिजिट है उसका हो जाएगा 2। बस ऑप्शन घटते हुए, ठीक है। अच्छा ये कौन है? हाँ बताना जरा, बेचारा बड़ा उत्सुक है। हाँ बताना भाई तुम। ये मैं संगम। अच्छा हाँ संगम बताओ भैया, इसमें मतलब इवन डिजिट मतलब 4 नंबर हैं जो इवन है, तो उनको ना थर्ड प्लेस पे हम लोग फिक्स कर देंगे। हाँ तो क्या लिखूं? टोटल भैया 4 लिखिए। हाँ और हमारे पास टोटल 9 है, तो हम 1 को फिक्स कर दिए तो टोटल 8 बचे हमारे पास, और यहाँ पे 7। मतलब ये सारे झूठे हैं संगम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं अभी बताता हूँ इसमें। अरे ये अन्वेषा दीदी, अरे बोल दो यार, इतना क्यों सता रही हो, बोल दो यार जल्दी। हाँ सर 5, 4, 3। 5, 4, 3। हाँ चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इवन का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑड करेंगे। अरे देखो सिंपल सी बात है, क्या मैंने ऐसा लिखा हुआ, देखो दो दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। एक तो हम मैंने क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो क्या लिख रखा मैंने क्वेश्चन, सारे पढ़ो क्या लिखा हुआ, 3 डिजिट इवन नंबर क्या मैंने। अब दूसरा पता है क्या लिखा हुआ आता है आजकल मेरे हिसाब से, अभी रिसेंटली आया था 3 डिजिट नंबर, ठीक है ये नॉन लिख दिया, 3 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर इवन, 3 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर इवन। क्या दोनों में कुछ फर्क है कि दोनों ही सेम है? हाँ भाई सेम है। नहीं भैया सेम नहीं है बिल्कुल। हाँ प्रशांत फिर क्या दिक्कत है, ये तो स्टार के सारे झूठे आदमी है ऐसा बोल रहे कि ये सेम है, तो तुम बताओ कि कैसे नहीं अलग है ये भाई। ये 3 डिजिट इवन नंबर में लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और जो 3 डिजिट इन विच ऑल डिजिट आर इवन में सारी जो तीनों डिजिट है वो इवन है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। देखो हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहा है, देखो 3 डिजिट इवन नंबर बोल रहा है वो, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जो आपके डिविजिबल बाई टू होते हैं। आप डिविजिबल बाई टू तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका
सिंपल सी बात है, आपका इवन नंबर वो नंबर होता है जिसके लास्ट डिजिट पे क्या होता है, जिसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, इवन होती है, 0, 2, 4, 6, 8, जिसके भी लास्ट डिजिट ये हुई वो आपका इवन हो गया। जी भैया बोलो, ये होता ना। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, सारी की सारी इवन होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास डिजिट सी कितनी होगी, 0, 2, 4, 6, 8, ये होगी। यस सर। बोलो, इसमें डिजिट ही कम होगी है। अब क्योंकि यहां पर मैंने क्या जीरो ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है ना, तो दोनों से कट जाएगा क्योंकि जीरो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में। दिख रहा है ना, मैंने जो बड़ा वाला तुमको सेट दिया है उसमें क्या जीरो है, नहीं है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। बोलो क्लियर है, इतना किसी को डाउट है, अब ये समझ में आया कि हम लोग कैसे करके चीजें कर रहे हैं। यस सर, आ गया ना। अब देखो, 3 डिजिट इवन नंबर बोला है, तो ये बता दो हमारे सब, जैसे ही मेरे को 3 डिजिट बोला है 3 लाइनें बना दो, 4 डिजिट बोला है 4 लाइनें बना दो, 5 बोला है 5 लाइनें बना दो। अब क्या करो भाई, इवन बोला है तो लास्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, यही आ सकता है, सिर्फ आ सकते हैं। यस सर। तो कितने ऑप्शंस हुए, 4 ऑप्शंस। और उसके बाद अब मान लेते हैं, मेरे एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मेरा 4 मान लेते हैं, 8 आ गया। अब 8 आ गया, अब कितने बचे मेरे पास टोटल, 3। ए दीदी दीदी ऐसा मत करो दीदी, ऐसा बाकी में तो कुछ भी आ सकता है ना, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। हां सर, तो 642 ही कट गया। नहीं नहीं, अरे अच्छा तुम ये बताओ, क्या ये इवन नंबर है? यस सर। अरे तो आ सकता है ना, तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, चाहे 1 ले लो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, कुछ भी ले लो। अगर मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें बोला, मान लेते हैं आपका 8 आया, तो हमारे पास अगले वाले के लिए ऑप्शन कितने बचे, अब तो कुछ भी रख सकते हैं। हाँ भैया, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहां पर ये बात आती है, मैंने सबसे पहले लास्ट वाले में ही क्यों फिल किया, क्योंकि यहां पर क्या लग रही थी आपकी, इवन कंडीशन क्या थी आपकी, कि आपका नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वहां पर चीजें करेंगे जहां पर क्या लगा होगा, कंडीशन लगा होगा। आया समझ में, जहां पर क्या लगा होगा, कंडीशन। अब आगे समझ में आ गया ना। अभी यहां पर हम लोगों ने देखो, फर्स्ट वाले मैंने तुमको क्या बोला कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, क्या कोई कंडीशन लगी थी, ऑल डिजिट, हाँ हाँ, क्या कोई कंडीशन लगी थी, नहीं लगी थी ना, तो मैंने कैसे भी कर दिया तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही यहां पर इसने बोला इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर मतलब लास्ट की डिजिट होती है उसमें 2, 4, 6, 8 और 0 आ सकता है। अब यहां पर तो हमें 0 गिवन नहीं था, तो उसे हटाओ। अब बाकी के जो नंबर्स बचे उनमें से सबसे पहले यहां पर कितने ऑप्शन, सबसे पहले यहां का करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या लगा है, कंडीशन। तो जहां पर भी कंडीशन होगा वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे। आया समझ में, जहां पर भी कंडीशन लगी होगी वहां पर सबसे पहले आपका फिल हो रहा होगा। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। अब नेक्स्ट हम लोग का जहां पे कंडीशन लग रही होगी वहां पे, मतलब सबसे लास्ट से शुरू करना है, नहीं जहां पर कंडीशन लग रही होगी वहां पर सबसे पहले आप भरोगे चीजें, ठीक है। अभी देखो, अब ये आपका इवन नंबर है तो हमने यहां पर भरा है ना, सबसे पहले इवन नंबर का क्या होता है कि आपकी लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए कहां पर भरा हम लोगों ने, लास्ट पे भरा, ठीक है। हाँ लास्ट पे भरेंगे ना, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, कंडीशन लग रही है। अब यहां पर कितने केसेस बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बचा, और इसके बाद 7 बचेगा है ना। मान लेते हैं अगले वाले में 4 आया, अब देखो 7 बचा। आया समझ में सबको, कैसे करके चीजें कर रही है मैंने, सबसे पहले क्या किया, 3 डिजिट इवन नंबर्स बने, तो हमारी कंडीशन क्या थी कि आप लोगों का इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर तभी होता है जब आपका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 होता है, तो आपके 4 आ गया लास्ट में है ना,
फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर यहाँ पर चार आ गया ठीक है सबसे पहले भर दिया, फिर आपका एक नंबर यहाँ पर जो नंबर होगा मान लेते हैं हमारा क्या आ गया थ्री, थ्री नहीं ये तो इवन नंबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर आपका टू आ गया, अब बाकी अब कितने बचे टोटल आठ बचे, वो कहीं पे भी रख दो तो यहाँ पर आपका आठ आ गया, फिर मान लेते हैं अगले वाले में आपका सिक्स आ गया तो बाकी अब कितने बचे सात बच के तो ये आ गया, तो मतलब टोटल कितने नंबर बन गए यहाँ पर एट इंटू सेवन इंटू फोर। इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ यार 224। हाँ भैया थोड़ा सा डाउट है अभी दोबारा थोड़ा देख लीजिए, मुझे प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। हाँ एक मिनट एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें ये अब एक और बताता हूँ ठीक है उसके बाद ये करना। यहाँ पर मैंने बोला क्या थ्री डिजिट नंबर बनाने, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए कि जिसके सारे डिजिट क्या होनी चाहिए इवन, इवन मतलब टू फोर सिक्स एट ही आ सकता है, बस आ सकता है। यस सर। क्या इसमें कोई कंडीशन, अब देखो अगर तुमने कोई सा भी इवन नंबर रख लो कहीं पे भी रख लो बनेगा तो हमेशा क्या, इसमें कुछ नहीं बोला वैसे बनेगा तो हमेशा इवन नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितनी चॉइसेस है हमारे पास, चार, अब फिर यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो, फोर इंटू थ्री इंटू टू खत्म। इसमें हमको बोला क्या था आपको थ्री डिजिट नंबर बनाने, लेकिन क्या कंडीशन है कि सारे की सारी डिजिट क्या होनी चाहिए रिपीट होनी चाहिए, इवन होना चाहिए, सारे की सारी इवन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ये क्या है नो रिपीटेशन में। अच्छा जरा मेरे को ये बताओ अगर ये नो रिपीटेशन में, जरा मेरे को रिपीटेशन में बताना अगर मैं बोलता हूँ ये रिपीटेशन में है, क्या बात है फोर इंटू फोर इंटू फोर आ गया। यस सर। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं था कंडीशन, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें बोलता हूँ कि अगर मेरे को क्या बनाना है थ्री डिजिट नंबर बनाना है ठीक है, थ्री डिजिट नंबर बनाना है और नंबर कैसा होना चाहिए सिंपल थ्री डिजिट ऑड नंबर बनाना है, क्या बनाना है थ्री डिजिट ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं 13579 बिल्कुल, जो टू से डिविजिबल ना हो, ना हो या फिर जिसके क्या हो लास्ट डिजिट में क्या हो जिसकी लास्ट डिजिट में क्या हो ये हो। अब मेरे पास तुम ये बताओ ना मेरे पास यही थे नंबर, ये आया किसको इन था उस टाइम पे समझ में, नाम बताना है मनीचार मनीष। हाँ देखो मनीष यहाँ पर हम लोगों को अब ऑड नंबर आ गया, कंडीशन कहाँ पर लग रही होती है। अच्छा ये बताना क्या ये एक ऑड नंबर है क्या, नहीं भैया ए भाई गाड़ी तो हाँ ऑड है ऑड है ऑड है यस वन लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ तो मतलब आपकी लास्ट डिजिट से हम लोग पता करते हैं कि ये ऑड है कि नहीं है, है ना। तो आपकी जो कंडीशन लग रही है वो कहाँ पर जो लग रही है डिजिट पे लास्ट पे। अब यहाँ पर कितने नंबर्स के कितने ऑप्शंस है हमारे पास, फाइव पांच ऑप्शंस है हाँ मनीष यस हाँ भैया हाँ। अब देखो बाकी तो तुम कुछ भी रखो ना, बाकी में कोई कंपल्शन है क्या इनमें से रखने पे, नहीं 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 है तो बस बाकी कितना रख सकते हैं यहाँ पर इनटू सेवन। अब टोटल हमारे पास नाइन है, यहाँ पर तुम एक रख चुके हो, अब कितना बचा है यहाँ पर एट, और यहाँ पर सेवन, तो एट इंटू सेवन इंटू फाइव। आप देखो ये वाला वापस मैंने बोला थ्री डिजिट इवन नंबर है, लास्ट डिजिट पे क्या आ सकता है टू फोर इवन नंबर, चार थे हमारे पास ऑप्शन रख दिए मैंने चार रख दिए चार। अब यहाँ पर टोटल ये नौ है, अब टोटल नौ है एक तुमने यहाँ पर रख दिया, अब कितने बचे यहाँ पर ऑप्शन आठ और यहाँ पर सात। आया समझ में कैसे क्यों हुआ, अब तो नहीं है डाउट लास्ट डिजिट जी भैया, अब नहीं है किसी को डाउट। अब अगर मैं यहीं पे बोल देता हूँ कि हाँ बोलो बोलो भैया लास्ट में मतलब जैसे अगर ऑड दिया जाए तो ऑड नंबर होना चाहिए सबसे लास्ट डिजिट, उसके बाद कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाँ कोई भी रख सकते हैं ठीक। अब यहाँ पर अगर आपका ये नो रिपीटेशन है ठीक है, यहाँ पर आपका नो रिपीटेशन है, अगर मैं यहीं पे बोल देता कि आपका रिपीटेशन हो जाता तो ना 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 बच्चे ना भाई लास्ट में तो अभी भी पांच ही ऑप्शन है ना।
995 आ जाता था। हाँ यहाँ पर हो जाता 99। देखा नहीं बोला भैया। हाँ नहीं एक था वो थे कुछ बीच से आवाज आई है भाई, ये बगावत की आवाज आई है। ठीक है आ गया रिपीटेशन में आ गया समझ में कैसे करके होगा। अच्छा एक बार ना आप वापस से तुम लोग जरा सबके सामने जरा रिपीटेशन में तो 555 आना चाहिए ना। नहीं दीदी 555 क्यों आएगा, यहाँ पर क्या था ध्यान से देखो, मैंने बोला जहां पर ऑल डिजिट्स आपकी इवन होनी चाहिए। क्या मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बोला ऑल डिजिट्स ऑड होनी चाहिए? नहीं मैंने बोला ऑड नंबर, तो लास्ट वाले में 5 आएगा बाकी में ना 9 में से कुछ भी आ सकता है। ओके वो जो 555 था अगर मैं ऐसे बोलता कि 3 डिजिट नंबर इन विच ऑल टर्म्स आर ऑल टर्म्स आर ऑड, तो अगर आपकी साल की सारी टर्म्स अगर आपकी ऑड होती तब हमारा क्या हो जाता। आप देखो साल की सारी टर्म्स अगर ऑड जाती तो 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। हो गया हाँ। ये 3 हो गया, अब आ जाता कितना 555। लेकिन कौन से केस में? रिपीटेशन। और अगर यही चीज अगर मैं बोलता नॉन रिपीटेशन है तो बोलो 5 × 8 × 7 = 135 ऐसे आ जाते। हाँ ये 5 इन, ये कौन था ये जो 8 वाला था, कौन था ये? ऐसा मत करो यार। देखो चलो इसको एक बार जल्दी से देख लो, सिंपल सा हम लोगों का अभी हम लोग परमुटेशन से शुरू किया है ठीक है, ये सब हम लोग परमुटेशन कर रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन थोड़ा देर में आएगा। तो हम लोगों का परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। क्या हुआ परमुटेशन का मतलब? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब सेलेक्शन ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सेलेक्शन। अब हम लोगों ने क्या बोला कि आपके यहां पर कैसे लिखे होंगे वर्ड्स, नंबर ऑफ वेज। जब भी आपको नंबर ऑफ वेज पूछता है इसका मतलब क्या कि आपसे क्या पूछ रहा है, परम्यूटेशन। ए दीदी परम्यूटेशन, नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में चीजें हो सकती हैं। यहां पर ये अरेंजमेंट पूछ रहा है ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है ये अरेंजमेंट। अब तुम बोलोगे भैया ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये सेलेक्ट लिखा होगा ना। हाँ जहां पर भी सेलेक्ट लिखा होगा वहां पर क्या होगा कॉम्बिनेशन, जहां पर भी अरेंजमेंट लिखा होगा या फॉर्म लिखा हुआ होगा या कंपोज लिखा हुआ होगा ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे यहां पर क्या लगेगा हमेशा परम्यूटेशन। आया समझ में? अब दिखाऊं कितने सारे जगह पे होगा, ये देखो यहां पर क्या लिख रखा ये वाला, अगर मैं क्वेश्चन देखूं यहां पर क्या लिखा हुआ सेलेक्टेड, तो यहां पर क्या लग रहा होगा कॉम्बिनेशन। यस सर। यहां पर परम्यूटेशन है, यहां पर क्या लग रहा होगा परम्यूटेशन ही लग रहा होगा, सिंपल है। यहां पर देखो हाउ मेनी ऑड नंबर, अब ऑड नंबर लिख दिया ठीक है, हाउ मेनी लिख दिया कितने ऑड नंबर, तो यहां पर भी क्या लगेगा परम्यूटेशन लगेगा। यहां पर देखो हाउ मेनी, अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्टेड लिख दिया, फॉर्म कंस्ट्रक्टेड सेम ही तो मतलब होता है, तो यहां पर क्या लग रहा होगा फिर से परम्यूटेशन, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी लगेगा वो बाद में बताऊंगा ये वाले में ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा उस क्वेश्चन में, वहां पर दोनों लगेगा। तो ये समझ में आया तुम लोगों को, जहां पर भी आपका फॉर्म लिखा होगा जहां पर आपका सेलेक्ट, ये देखो फॉर्म लिखा हुआ सिंपल परम्यूटेशन लगेगा दिख रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ कॉम्बिनेशन लगेगा। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन, कंपोज लिखा हुआ परम्यूटेशन लगेगा दिख रहा है। इस तरीके से चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी तब जाके होगा। अब यहाँ देखो सिंपल है, यहाँ पर बोला कि इसने रिक्रूटमेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पर क्या लगेगा वो हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे। आया समझ में? अब ये वाला तुमको आ गया ना समझ में, थोड़ा सा यार ये चीजें देख लो एक बार, रीड कर लो एक बार अच्छे से। बाकी जीएटी की 9:30 से होगी क्लास। तुम में से यार बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ना मैसेज नहीं सेंड किया, शायद से उन्होंने बैच तो ले लिया लेकिन मैसेज सेंड नहीं किया, तो मुझे कर देना यार वो चीज ना, तभी मैं ऐड कर पाऊंगा। सर किधर पे मैसेज सेंड करना है? वो व्हाट्सएप पे करना है ना।
हाँ मतलब जिन जिन ने बहुत सारे ने तो कर दिया मैसेज सेंड, लेकिन अभी भी हैं कुछ जिन्होंने सेंड नहीं किया। सर मैंने ऐप पे ही सेंड किया था मैसेज, जिसमें मैसेज आया था एडमिशन लेने के बाद। हाँ यार वो ऐप पे ना एक तो उसमें छुटका सा आया, एक तो मतलब व्हाट्सएप पे कर देना ठीक है। ठीक है हाँ ये वाला देख लिया एक बार कि 1 2 3 है ये सारे के सारे। आज मैं थोड़ा सा ना कम इसीलिए मतलब नोट करने का टाइम इसीलिए नहीं दे रहा हूँ ना, फिर वो क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, यही वीडियो हम यूट्यूब पर भी उठा कर रख देंगे। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो बेचारे बहुत ज्यादा बिजी होंगे इस टाइम पे, या किसी का इमरजेंसी काम आ जाता है इसीलिए अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ये वाले। ठीक है रिपीटिशन होगा तो आपको सेम सेम रख देना है, नॉन रिपीटिशन होगा तो आपको थोड़ा सा ऑप्शंस कम कम करके रखने पड़ेंगे। सेम यहाँ पर भी है, फर्क समझना। इवन नंबर का मतलब लास्ट पे आपका 2 4 6 8 0 होता है, अगर आपका ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 होता है, लेकिन वहीं पे अगर इन्होंने क्या लिख रखा ऑल डिजिट्स आर इवन तो सिर्फ आपके पास ये हैं आपके पास ऑप्शंस। अगर इसने बोल रखा ऑल डिजिट्स आर ऑड सिर्फ ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है आगे बढ़े आप, देखिए यार इससे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा अब जरा ये वाला क्वेश्चन बताना यार कैसे करके होगा, लेट्स ट्राई ये वाला क्वेश्चन। हाँ बताओ, जैसे ना जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है ना एक काम कर सकते हैं वो लोग अपने आगे ना PYQs की बुक ले लेना और उससे क्वेश्चंस करना शुरू करना, RS की बुक ले लेना उससे क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है तो PDF खुल जाती है, चाहे गूगल मीट पे हो फ्री PDF खुल जाती है, इसे ऑन करके रखना और क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट करते जाना। आज संदीप चिराग समझ में आया, इससे ज्यादा सही रहेगा, लेकिन लाइव क्लास को जरूर से अटेंड करना है, जरूर अटेंड करना, नहीं तो ऐसा होता ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछली बार भी जिन्होंने लाइव क्लास नहीं किया अटेंड। ठीक है उन लोगों का क्या होता, बहुत मार्जिन से वो लोग चुक गए थे अपने पिछले अटेम्प्ट में, लेकिन बाद वाले में भी उन्होंने अटेंड की नहीं क्लासेस, उन लोगों का पूरा कंसेंट्रेट जो मतलब वो फ्लो बन रखा था ना सब गया। ऐसा होता है यार, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान में रखना। हाँ बोलो और ये वाला कैसे होगा, देखो इसने मेरे को क्या बोला है, कैसा नंबर चाहिए पहली बात तो ऑड नंबर, मेरे पास ये कंडीशन आ गई, फिर क्या बोला है इसने किस किस के बीच में चाहिए 300। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ 300 और 400 के बीच में सार के सारे डिजिट हमारे 3 डिजिट ही बनेंगे? जी भैया। और दूसरी चीज ये है 3 डिजिट तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जितने भी नंबर बनेंगे वो 301, 302, 303, 304 ऐसे करके ही बनेंगे, मतलब आपका पहला जो डिजिट होगा वो आपका 3 ही आने वाला है। आने वाला है क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं। ये मेरा क्या हो गया कंडीशन, फिक्स कर दिया मैंने, क्यों किया फिक्स? हाँ ये कंडीशन थी, सबसे पहली कंडीशन क्या थी और से भी पहली कंडीशन क्या थी कि भाई पहला नंबर क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए, तो ये पहली कंडीशन है, लगा दी yes। अब ये कह रहा है देयर आर देयर इन द इन विच नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं कर रहा, क्या इसने अपनी तरफ से कोई डिजिट दिया है क्या? हाँ दिए कोई डिजिट 3 दिए नहीं नहीं अपनी तरफ से कोई डिजिट दिया है, मतलब आपको सिर्फ 2 4 7 से ऐसे लेना है ऐसा कुछ नहीं दिया ना, तो तुम लोग पूरे नंबर लोगे, कहां से होते हैं 0 से होते हैं स्टार्ट, कहां से होते हैं स्टार्ट 0 से होते हैं स्टार्ट। अगर मैं यहां पर तुम लोगों को थोड़ा सा यहां पर नीचे दिखाऊंगा ना, अगर यहां पर देखें हम लोग क्या इसने अपनी तरफ से नंबर दे रखे हैं? यस दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से दे रखे हैं बढ़िया है, लेकिन अगर अपनी तरफ से नहीं दे रखे हैं फिर ये देखो अपनी तरफ से दे रखे हैं यस दे रखे हैं, तो अपनी तरफ से दे रखे हैं तो आप उन्हीं को यूज करोगे, देखो उन्हीं को यूज करोगे, लेकिन जब अपनी तरफ से नहीं दे रखे हैं तो कहां से यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने डिजिट हुए ये सबको लगता है 9 तुम्हें भी लगता होगा 9 10 हुए भाई 10 10। ठीक है अब देखो यहां पर इसने क्या बोला है, क्या रिपीट कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर सकता, और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 को क्या कर दिया है
फिक्स अगर किसी चीज को हम फिक्स कर देते हैं मतलब इसमें कितना ऑप्शन है हमारे पास एक ऑप्शन एक फिक्स कर दिया ना मैंने बोला भाई आगे वाली सीट में तुम्हारे पापा ही बैठेंगे अब कोई और बैठ सकता है क्या वहां पर गाड़ी की आगे वाली सीट में पापा ही बैठेंगे मैंने बोला कोई और बैठेगा फिर उसमें नहीं बैठेगा ना मतलब उस सीट के पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि पापा ही बैठेंगे ठीक है अब उसके बाद इसने मेरे को दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि नंबर कैसा होना चाहिए मेरा ऑड ऑड होना चाहिए अब ऑड क्या होता है कि आपके आखिरी वाले डिजिट पे कितना होना चाहिए 1 3 5 7 9 लेकिन मेरा 3 तो पहले वाले में आ चुका है ना ऑलरेडी आ चुका है तो यहां पर कितने ऑप्शंस हुए फोर और बाकी के बीच में तो कुछ भी आ सकता है कितने बचे आठ बिल्कुल एट अब तुम लोग बोल रहे होंगे भैया एट कैसे यार कुछ कुछ होंगे जो अपना सर खुजा रहे होंगे अरे मान लेते हैं आखिरी वाले पे 9 आ गया है ना तो आपका 9 और हो गया देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं इसमें yes, है किसी को डाउट no. नहीं है ना तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 8 × 4 है ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 32 ये तो आपका कितना आ रहा है 96 आ रहा है तो आंसर है आंसर क्यों नहीं आ रहा यार नहीं 3 का अरेंजमेंट वन टाइम है ना हाँ अरे यहाँ देखो ना भैया 3 फिक्स है ना इसको इसीलिए क्या लूंगा इसको वन आया समझ में और यहीं पे तुम लोग क्या करोगे पेपर में तुम लोग वहां पर 3 लिख रहे होंगे लेकिन आंसर नहीं आएगा तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन ही गलत है यूपीएससी पे जो फिक्स हो गया जो भी आप लोगों ने फिक्स कर दिया है उसमें हमेशा कितने ऑप्शन होंगे सिर्फ एक ठीक है सिर्फ एक ऑप्शन होगा बस ठीक है ना ये आ गया समझ में अच्छे से इसलिए फिक्स हो रहा है क्योंकि 300 मतलब 300 से 400 के बीच में सारे नंबर स्टार्टिंग 3 से हो रहे हैं इसलिए हाँ 3 इसीलिए फिक्स हुआ ना देखो तुम कहां से होंगे देखो 300 से 400 के बीच में 300 1 से स्टार्ट होगा 399 तक जाएगा है ना देखो फर्स्ट से लेके लास्ट तक कितना हो रहा है पहला नंबर तो 3 है ना yes. आ गया समझ में इसको जरा सा नोट कर लो यार क्वेश्चन मत करना नोट ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा तुमको ये सोल्यूशन कर लो नोट जरा ये पीडीएफ में सोल्यूशन होंगे ना नहीं वो ऐसा होता ना कि जब अभी तो तुम लोगों ने फ्रेश में पढ़ा है इसीलिए तुमको आ रहा है लेकिन जब बाद में देखोगे ना पीडीएफ में कुछ समझ ही नहीं आता पीडीएफ में होगा सोल्यूशन इस पीडीएफ में होगा सोल्यूशन पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो हमारे उस पर मिलेगी यार जो ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कम मिल जाएगी हाँ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा लेकिन अभी नोट कर लो जितना मैं नोट करने को बोल रहा हूँ देखो ये वाली पीडीएफ अगर तुमने कर ली ना पीएनसी में तुम लोगों का पूरा पीएनसी निपट जाएगा मैंने हर एक चीज यहाँ पर इंक्लूड कर दी है मतलब थोड़ा और एडिशनल और दूंगा मैं जितना हो सकता है लेकिन स्टिल अगर तुमने याला कर लिया तो बहुत हद तक तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट में याली पीडीएफ में कर दिया कर लिया नोट हो गया भाई कर लिया ना चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है अब तुम लोग भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा जरा बताना एन की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं ना अरे ये ठीक है ये नहीं होगा ये ज्यादा ही हम लोग होपफुल हो गए अभी तो पढ़ा ही नहीं है कुछ अब यहाँ देखो हाउ मेनी अब देखो क्वेश्चन जरा एक बार ना ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो देखो कि क्या चीज तुम लोग करते हो करना जरा एक बार ट्राई बताओ क्या रहा आंसर अब देखो थोड़ा सा देख ले कि क्या क्या चीजें हैं इसने क्या बोला हाउ मेनी सबसे पहला क्या है कितने डिजिट नंबर है 3 डिजिट 1 2 3 और कैसा नंबर है
इवन नंबर है और इसने ऑलरेडी अपने डिजिट दे रखे हैं, क्या रिपीट कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता। तो ये बताओ अगर इवन नंबर है सबसे पहली कंडीशन कहाँ लग रही है? इवन नंबर लास्ट लास्ट पे। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन से इवन, इन सब में से कौन कितने इवन नंबर्स हैं? दो सर, दो, दो। बाकी दो, तो कुछ भी कहीं पे फेंक दो, चार और तीन लो कितना आ रहा है, 4 × 3 × 2 24 आ गया खत्म। टू के अरेंजमेंट का तरीका बनी होगा ना, टू का एक मिनट फिर बोलना, टू का अरेंजमेंट लास्ट डिजिट टू और फोर में कोई भी आ सकता है। हाँ टू और फोर में से कोई भी आ सकता है ना, मान लेते हैं मेरा फोर आ गया ठीक है, तो मेरा जो टू होगा वो इधर तो आ सकता है ना, बट सर लास्ट डिजिट वन हो जाएगी ना क्योंकि आपने एक रखा तो एक ऑप्शन ऑप्शन ये ऑप्शन है क्या, मैंने इनमें कुछ डब्बा डुब्बा बनाया, इनको मैंने क्या डब्बे में बंद किया? नहीं डब्बे में बंद किया मतलब फिक्स है, अगर मैंने ऐसे लिखा हो मतलब कितने हैं ऑप्शंस है। क्या है ये, अगर हम लास्ट में 4 भी लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हो कोई नहीं, 4 क्यों लिखोगे, 4 हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, 2 है, 2 इसीलिए 2 लिखोगे ना। अच्छा ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शंस लिखते हैं हमेशा पीएनसी में, ऑप्शंस लिखते हैं हम लोग जहां पर भी आप लोग, जैसे मैंने ऊपर वाले में हमने क्या किया 3 को फिक्स कर दिया था, इसलिए मैंने किस में पैक कर दिया इसको, डब्बे में बस ठीक है, ये वाला आ गया समझ में। दो ऑप्शन में से एक पुट करेंगे ना हम, दो उन दो ऑप्शन में से एक हाँ, पुट करेंगे तो देखो अगर मैंने मान लिया आपने 4 कर दिया तो वो बाकी के तो इनके साथ काउंट हो जाएगा ना, जो बाकी का बचा हुआ होगा। हाँ तो कितने ऑप्शन, अब मान लेते मैंने 4 कर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 5 है, 4 शांत ऐसा मत करो यार, लखनऊ में गर्मी ज्यादा है मान लिया, लेकिन ऐसा मत करो यार ठीक है। अब मान लेते हैं अगले वाले में मेरा 1 आ गया, अब कितने ऑप्शंस बचे, 3 ठीक है, तो ऐसे करके हमने लिखा। चलो आगे बढ़े, अब ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आराम से चीजें पढ़ना, जो भी चीज है उसको अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज को एनालाइज करो, कितने डिजिट का है उतने डैश करो सब चीजें। लास्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे अपने ऑप्शन बता देना कि किसके कितने आ रहे हैं। अरे अंकित भाई हमारे बड़े शांत है, अंकित अनु, अरे अनु शांत क्यों होगी तू, सर बोल तो रही थी। अच्छा बोल रही थी ठीक है। अरे अंश, अंश तिवारी, अरे बाकी के बोल दिया करो यार तुम लोग, इसका मतलब ये थोड़ी कि आर्ट्स वाले को ही बोलना है, तो आप आर्ट्स वालों को ज्यादा फोर्स करते हो ना। अरे हाँ उनको मैं फोर्स करता हूँ ना, तुम्हें फोर्स तो नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए मेरे को, तो इसीलिए तो बोल देते हैं हम लोग। हाँ बस, अरे तुम अपना बोलना सबका अधिकार है, पता है ना आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी बस इसी राइट्स की वजह से केजरीवाल साहब ने ही कुछ बोला था, सिसोदिया ने भी बोला था, इसीलिए कहाँ पर है जेल के अंदर, और राहुल गांधी ने थोड़ा कुछ उठपटांग और बोल दिया था। 90 होगा। हाँ सी ऑप्शन है। हाँ होगा भाई, तो इसीलिए यार बिल्कुल ये राइट टू जो ये वाला है ना फ्रीडम वाला, इसको यही करना है इस्तेमाल, घर में नहीं, यहाँ हो गया। अब 3-डिजिट नंबर है लिख रखा है इन्होंने, इसने क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट 3-डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट डिफरेंट, ऑल डिजिट डिफरेंट का मतलब क्या ये रिपीट कर सकता है क्या? नहीं, नो रिपीटेशन। अब लेना कहां से है, सारे के सारे नंबर यहीं से लेने, इसने ऑलरेडी अपना दे रखा है। अब ये बताओ कि आपका नंबर कैसा होना चाहिए, 500 से कम? भैया एक बंदा है वो अभी चैट में तो कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। हाँ भैया कोई हरामी बॉय करके है, है? ठीक है जी।
यही तो बात हो जाती है ना यार, क्या ही बोल सकते हैं, बता दिया करो यार इसमें, तभी तो थोड़ा सा ओपन सेशन में वही दिक्कत है। चले गया अभी तो, चले गया। चले गया ना अभी तो? हाँ भैया चले गया जी भैया, बता दिया करो यार ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ देखो 500 है, अब 500 से कम अगर मेरे को बनाना है, 500 से कम में अब यहाँ पर 500 से कम है, क्या इसने बोला है कुछ ऑड इवन कुछ बोला है क्या? नहीं नहीं बोला, तो 500 से कम में मतलब कंडीशन कहाँ लग गई? फोर, फर्स्ट पे फोर। हाँ अरे हाँ फर्स्ट पे, दीदी सिर्फ फोर ही होते हैं क्या? दो और तीन को कहाँ छोड़ रही हो, ऐसा मत करो यार। ये तीन है ना ऑप्शन, देखो पहली बार में। यस सर। हाँ 500 से कम में देखो 200 का कोई भी नंबर ला लो, वो आपके क्या होगा 500 से छोटा होगा। 300 में कुछ भी ला लो वो क्या होगा 500 से छोटा होगा। 400 में कुछ भी ला दो 500 से क्या होगा छोटा होगा, होगा? हाँ। बस तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस आ गए? तीन। अब अगर तीन ऑप्शंस आ गए, मान लेते हैं मेरा एग्जांपल के लिए मेरा 4 आ गया, अब कितने बचे मेरे पास? बाकी तो कहीं भी उठा के फेंको। हाँ बोलो भैया, ये फिर से आया है लड़का, इसको ब्लॉक कर दीजिए भैया। कोई अरे भैया इसका नंबर दिलवा दो एक बार बस, इससे लैप्ट हो गया ये। रुक जा इसको इसके घर से उठवा दूंगा। अरे यार क्या ही करें यार, अब नहीं कर पाए। ठीक है अब यहाँ देखो ये तीन आगे। हाँ बोलो, तीन आगे हैं। हाँ भैया। अब तीन आ गए तो यहाँ पर 3 लिख दिया, अब बाकी के कितने बचे हमारे पास ऑप्शंस? 6 बचे बस, अगले वाले में 6 और उसके बाद 5। तो आंसर कितना? 90। दिख रहा है ना? तो भैया ये 3 जो फर्स्ट में वो फिक्स हो जाएगा ना? नहीं अरे दीदी ये ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से कुछ भी रखूं। देखो 200 वाले में कुछ भी रख सकता हूँ, है ना? 300 में कुछ भी रख सकता हूँ, 400 में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। हाँ रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो गया। अब उसके बाद तुमने रख दिया, उसके बाद कितना हो जाएगा देखो? 6 और फिर यहाँ पर 5। तो यानी कि आंसर 3×30 यानी कि 90 आ गया। खत्म, दिख रहा है? अब तुम लोगों को करना क्या है, ये वाला। अब यहाँ पर तुम लोग खुद देखो, प्राइम नंबर्स बनाने। प्राइम नंबर्स क्या होता है? क्या प्राइम नंबर्स ऐसे नहीं होते जिनका फैक्टर होता है कुछ ना कुछ, कि नहीं होता फैक्टर इनका? ये हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है? यस हाँ जी भैया, ये कल पढ़ेंगे हम लोग, बाकी देखते हैं। ये किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ लो यार, है डाउट? आज के लिए होमवर्क क्या है ये यार? पहले दिन में क्या होमवर्क दो यार, मतलब वो ही होता है कि मतलब तुम लोग कर ही नहीं पाओगे यार चीजें। मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि जितना बन सके ना, वो बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे यार तुम्हारे होमवर्क के चक्कर में, वही चीज हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो दिन पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद फिर चीजें अच्छे सा स्मूथली चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? किसी को और कुछ डाउट है? यार 8 बजे से फिर बहुत डिले हो जाएगा शाम का ना, बाद का भी तो होगा, फिर पीछे जितना आगे खिसकाएंगे उतना पीछे भी तो होगा, फिर 12 बज जाएंगे, फिर रात से दिक्कत नहीं होती। अरे बाकियों को तो होती है ना, ये स्कूल वाले बच्चे हैं यार, इनको सुबह स्कूल लेके जाना। टीम में लिया करो, वैसे भी हमको तो पढ़ना है भाई, हमारे तो 12th आ गई भाई। भाई मैं 12th नहीं हूं यार, थोड़ा भाई मैं 12th नहीं हूं। हां
ये अरुण कुमार। अरे अरे भैया आपने रूम क्यों चेंज कर लिया? अरे रूम कुछ नहीं चेंज कर रखा, वो ऐसे करके कर रखा आज, बाकी कल से वैसे वापस कर दूंगा। हाँ भैया उसी में आती है वाइब तो पढ़ने वाली।